सर यहाँ पे लिफ्ट में। सर लेफ्ट में, लेफ्ट में। थैंक यू। तो आज सुमती आंटी का बर्थडे है और यू नो इट्स अ सरप्राइज़ पार्टी फॉर हर। किसी उन्हें नहीं पता है कि हम सारे लोग आज यहाँ पर मिलने वाले, सेलिब्रेट करने वाले उनका बर्थडे। इट्स कम्प्लीटली सरप्राइज़, यू नो सरप्राइज़ प्लान्ड बाय सुरभि एंड समृद्धि। और मुझे क्लियरली बोला गया था कि आंटी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आज उनका ऐसा सेलिब्रेशन है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट लाइक टू विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड ब्लेस हर विद एवरीथिंग, ऑल दी हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। और यू नो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जहाँ पर जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे और पार्टीज़ और गणपति और एनी फेस्टिवल, हम लोग सब साथ में मनाते हैं। तो आज वो वापस से ऐसा एक ओकेजन है जहाँ पर हम लोग साथ में मिलके सेलिब्रेट करने वाले हैं। जब जब बर्थडे एंड पार्टीज की बात आती है, स्पेशली मॉम्स की बात आती है, तो क्या कुछ सरप्राइज आप सोचते हो? डेफिनेटली अगर पेरेंट्स की बात आती है, मॉम के बर्थडे की बात आती है, तो सरप्राइज़ तो माइंड में रहता ही है कि कुछ स्पेशल फील करवाना चाहिए अपने मॉम को, या फिर कुछ ऐसा उन्हें देना चाहिए जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। तो जैसे आज ये एक ओकेजन है जहाँ पर सुमती आंटी को नहीं पता है दैट ऐसा कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है। तो या हर किसी को स्पेशल फील करना चाहिए, और अपने पेरेंट्स को और अपनी मॉम को तो ज़रूर करवाना चाहिए। मतलब सरप्राइजेस की इतनी बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ सरप्राइज आप दोगे? आपके कोई नए प्रोजेक्ट मिलेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं लाइन अप, और धीरे 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 करके मैं लोगों के सामने सरप्राइजेस खोल रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक म्यूज़िक एल्बम भी आया था, जरिया तू, लोगों को नहीं पता था उस बारे में, मैंने अचानक से पोस्ट किया था। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है, कुछ म्यूज़िक एल्बम्स हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी वो कलर्स का एक कैंपेन भी, वी डिड इट टुगेदर, कलर सोशल स्क्वाड, किसी को पता नहीं था उस बारे में। सो एक दो प्रोजेक्ट्स भी लाइन अप है, अगर वो वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आई एम गोना रिवील इट टू ऑल। बिग बॉस बीच बीच में थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा हूँ मैं, कम्प्लीटली यू नो नहीं हो पाता हूँ इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट मैं देखता हूँ, उसके ग्लिम्सेस मुझे नज़र आते रहते हैं। ऐसा कोई एपिसोड जो कभी भूलना? अभी रिसेंट वाला जो टीना की मॉम आकर श्रीजिता को गलती से उन्होंने पीछे से हैक कर लिया था, तो दैट वॉज अ हिलेरियस एपिसोड, और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। लोगों ने आपको अब तक इतना ज़्यादा प्यार दिया है, बिल्कुल पॉसिबल है लोगों को ये चीज़ देखने मिल सकती है डेफिनेटली, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा है जो ऐसा शो है जो मेरे बकेट लिस्ट में बहुत सालों से रहा है। तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और यू नो अगर मुझे वक्त वो अलाउ करेगा कि मैं जा सकता हूँ, तो डेफिनेटली आई विल। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो टीवी है, जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, वो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए होता है, और यहाँ पर सारे कलाकार, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। और अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको पसंद नहीं आता है, तो आपको डेफिनेटली अपने ओपिनियन रखने चाहिए, बट आप लोगों को नफ़रत यू नो अपनी हेट्रेड बाहर नहीं निकालना चाहिए, नीदर ऑन सोशल मीडिया नॉर इन रियल लाइफ। आप बस टीवी के जितने भी शोज़ हैं वो आप देखते रहिए, एंटरटेन कर यू नो होते रहिए, और हम अपने दिल से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए नया नया कुछ ना कुछ लेकर आए। बट ये सारी चीज़ें जो ये बॉयकॉट और बंद करो और ये जो हेट ये जो फैल रही है, ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो बिहाइंड द कैमरा जो वर्क होता है, ये बहुत मेहनत का काम होता है, और ये आसान नहीं होता है। एक शो को बिल्ड करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी हमें इनक्रेज करना चाहिए, जनता को इनक्रेज करना चाहिए। बहुत सारे इंसिडेंट रियल लाइफ में होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हम लोग के साथ भी होते हैं, तो उसे देखते हुए प्लीज़ हमें आप इनक्रेज करते रहिए और अपना प्यार हमेशा देते रहिए। राइट, डेफिनेटली बहुत याद आती है हर किसी की, और बातें भी होती रहती है। जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनसे बातें होती रहती है मेरी, मैसेजेस पे, कॉल्स पे, मिलते भी रहते हैं।
तो मिस तो करता हूँ एंड डेफिनेटली ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि हम लोग वापस से उनमें से किसी के साथ मुझे काम करने का मौका मिले. थैंक यू. वेट इधर लेफ्ट में सेंटर में फुल लेफ्ट. थैंक यू. एक्चुअली मम्मा को ये ड्रेस हमारे बर्थडे पहनी थी 24 दिसंबर को इनका बर्थडे था. हमने अपनी ड्रेस खुद 24 को पहनी थी बट अनफॉर्चुनेटली हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया था. तो हमने सोचा आज इन्होंने बोला मम्मा आज हम भी अपनी बर्थडे वाली ड्रेस पहन रहे हैं, आप भी वही पहनिए जो आपने स्टिच करवाया था. तो हमने वही इट. थैंक यू सो मच. आपने सबसे पहले सुबह उठकर मम्मी जी को कुछ खिलाया या कुछ सरप्राइज? हम इतना प्लान कर रहे थे ना, हम घर में टिके नहीं. आज मम्मा के आज फ्रेंड आई हुई बचपन की, उन्होंने संभाले मम्मा को बाहर थे नहीं. बट कल ब्रिंग इन करा है रात में. कल ब्रिंग इन करा तो रात को केक कटिंग हुआ एंड दे ब्रॉट सम ब्यूटीफुल रेड बलून्स. तो और मैंने एक बहुत एक नई चीज़ कल करी है, अशनूर कौर ने मुझसे करवाई. शी गेव मी अ बलून एंड शी टोल्ड मी टू मेक अ विश एंड देन थ्रू इट अवे, यू नो, उसको ऊपर छोड़ने के लिए, फ्लाई अवे इन द स्काई. सो आई मेड अ विश, आई जस्ट होप वो पूरी हो. साथ ही क्या कहना चाहेंगे, आज जब बच्चे बड़े होते तो मॉम डैड को और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं. क्या कुछ कहना चाहोगे दोनों के लिए, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी. और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि ये लोग खुद इतना बिजी रहते हैं, ये लोग खुद भी, और उसके बावजूद भी ये सबके लिए टाइम निकालते हैं. तो आई फील वेरी वेरी मच प्राउड. यू नो अभी हम नहीं बताने वाले कुछ. अभी एक्चुअली आप लोगों ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया है मम्मी को. नहीं बट अभी ऊपर जाके देखते हैं. नए प्रोजेक्ट्स आने वाले, नया साल है, नए प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल आने वाले. वेरी एक्साइटेड हूं. सॉन्ग आप लोग को आना चाहिए. हां जी, हमेशा आप जब भी सॉन्ग आते हैं तो हमेशा धमाका हो जाता है. तो नए सॉन्ग के लिए कुछ बता दीजिए फैंस के लिए. नया सॉन्ग बताओ. नया सॉन्ग नहीं बताना. अभी कुछ दिनों में आने ही वाला है, आपको खुद पता चल जाएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सावन तक का हुआ है इसके बारे में आप. No comments on this. Actually, congratulations. Of course, congratulations. Congratulations. Yes. That's it. Congratulations to them. I just hope Rakhi ab bahut khushi se apna. I just love Rakhi a lot. I just adore her. She is such a pure-hearted person. So I just love her. So I just want to congratulate her ki unki life ab bahut acche se jaye Adil ke saath. Thank you so much. Thank you guys. Thank you for coming. Surprise to
मामा मामा उनकी क्यूट सी मामा को चिंकी विंकी सरप्राइज़ दे रहे हैं, और मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा मुझे भी शामिल हो जाना चाहिए इसमें, बिकॉज दे आर गुड फ्रेंड. सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी फॉर देम, और उनकी मामा को विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. फ्रेंडशिप एक्चुअली हमारी स्टार्ट हुई आशी की बर्थडे पार्टी पे, और सिद्धार्थ और अभिषेक दोनों बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे, छोटे दोस्त हैं तो उनके थ्रू मैं इनसे मिला, और भी बहुत अच्छा जेलिंग हो गई हमारी, गपशप हुई, काफ़ी सारी बातें की हम लोगों ने. एंड उसके बाद सिद्ध के बर्थडे पे अभी, सिद्ध एंड अभिषेक के बर्थडे पे अभी रिसेंटली मिले, उसी कॉल की कर रहा है इफ़ यू फ्री प्लीज़ कम ना, मैंने कहा ठीक है ओके. ऐसे ओकेजन पे हम लोग को मौका मिलता है कि हम दोस्तों से मिलें, तो दिस इज़ द राइट प्लेस राइट टाइम. हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ मैं भी प्लान करूँगा अपने पेरेंट्स के लिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा. एक्चुअली मैं उनकी मॉम से भी अभिषेक की मीन्स सिद्धार्थ और अभिषेक के बर्थडे पार्टी में मिला था, तो मैं देखते ही सरप्राइज़ हो गया था कि इतनी यंग मॉम है, वाओ तो अभी जाके पूछने वाला हूँ कि उनका कौन सा बर्थडे है, मतलब एज ऐसे पूछना नहीं चाहिए लेडीज से, बट कहीं ना कहीं फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपके प्रेजेंस जानने के लिए, अगर आपके अगर उन्हें कोई सरप्राइज थे. फैंस के लिए सरप्राइजेज हैं, बट फिलहाल तो ससुराल सिमर का जो कलर्स पे आ रहा है वही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड पीपल आर लविंग इट, और विवान के मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस. और उसके बाद हैं कुछ सरप्राइजेज, पर फिलहाल के लिए विवान ओसवाल अगर कहें तो शो के ट्रैक के बारे में अगर कहें तो शो में तो बहुत सारे धमाल आने वाले हैं. सुपर नेचुरल ट्रैक आप लोगों को पता ही है शुरू हो गया है, जो हमारे फोटे यू नो फर्स्ट सीज़न में भी ऐसे ही था, और सेकंड सीज़न में हमारे जब स्टोरी मेन स्टोरी जब थोड़ा सा कंप्लीट हुई तो सुपर नेचुरल ट्रैक में हम लोग एंटर कर चुके हैं, और अब एक नया ट्रैक आ रहा है जहाँ पर मेरे डैड मतलब मेरे ताऊ जी का कुछ पुराना कुछ ऐसा रिलेशन निकल के आया है, जहाँ पर हमें पता लगती है कि हमारी एक और बहन है. सो वो बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक है, और उस बहन के साथ भी कुछ साथ में है जो कौमा में सुपर नेचुरल, तो वो देखने लायक रहेगा कि क्या धमाल होने वाला है. बिग बॉस मैं थोड़ा बहुत फॉलो कर लेता हूँ, मेरे कुछ दोस्त वहाँ पर हैं और कुछ थे, तो अंकित वॉज देयर आई थिंक, अभी तो निकल गया है, और अर्चना भी अभी भी है अर्चना शायद, मैं यार एक्चुअली ज़्यादा फॉलो नहीं करता, पर वो दोनों ही मेरे दोस्त हैं, और दोनों ही कॉन्ट्रास्ट हैं, एक बिल्कुल शांत है एक बिल्कुल बहुत ही हैपनिंग है. एंड अभी बाकी तो मैं ज़्यादा जब से वो लोग मीन्स कभी कभी मैं देख लेता हूँ, बट अदरवाइज ज़्यादा मैं फॉलो नहीं कर पा रहा. मैं एक्चुअली उनकी बिट्स एंड पीसेस में देखता हूँ, तो मुझे अर्चना की जो वो बिंदासपन है वो बहुत अच्छा लगता है, वो वैसे तो इरिटेटिंग है बट मज़ा आता है देखने में तो वो बहुत अच्छा है. और ठीक है, तेजू और अंकित का जो प्यार था मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, लव स्टोरी छोटी सी प्यारी सी अभी भी है वो तो खैर, बट पता नहीं कितना आगे चलता है, बट आई लव देयर केमिस्ट्री. अर्चना को आई थिंक 4-5 हाँ ऑलमोस्ट 4 साल तो हो गए हैं, और हम लोग बहुत कम मुलाकात करते हैं, पर जब भी टेलीफोनिकली काफ़ी टच में थे. अर्चना के प्रोजेक्ट के लिए इसने मुझे अप्रोच भी किया था, करण यार ये कर ले, बट मैं वो कर नहीं पाया. देन शी वेंट इनटू दिस पॉलिटिक्स एंड ऑल, तो मैंने उसे बेस्ट विशेज दी थी उसी के लिए, बाकी तो फिर पॉलिटिक्स से वापस बिग बॉस में आ गई, तो अब तब भी ऐसी थी जब फर्स्ट टाइम मिली थी तब भी ऐसी थी, और बिकॉज हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए मिले थे साथ में, तो वो प्रोजेक्ट तो नहीं हो पाया, बट हमारी दोस्ती हो गई. और फिर एक प्रोजेक्ट के लिए जो अर्चना प्रोड्यूस करने वाली थी, जी कॉल मी करण इसके लिए, मैंने कहा यार ये थोड़ा सा मेरी रेंज से बाहर जा रहा है, तो मैंने मना कर दिया था, मतलब ठीक है मैं इतना अभी वेब सीरीज़ के लिए उस वक्त रेडी नहीं था बोल्ड कैरेक्टर्स वगैरह के लिए, तो मैंने थोड़ा सा मना किया. अब तो मैं कहना चाहूँगा जैसी है वैसी रहना, पीपल आर लविंग यू दैट वे. सो और ये होता है अगर आप जैसे हो वैसे ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर ले, तो इससे ज़्यादा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एज एन एक्टर हमें बहुत प्रिटेंड करना पड़ता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, और जैसे अगर मैं हूँ मुझ में कुछ फॉल्ट्स हैं, अगर ऑडियंस वो एक्सेप्ट कर ले तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी. सो मुझे लगता है कि अर्चना को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो शी शुड बी लाइक दिस सॉन्ग.
मैं बिग बॉस से तो बहुत दूर हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ऐसे रियलिटी शो में जहाँ पर आपकी पूरी रियलिटी बाहर आ जाए क्योंकि मैं थोड़ा सीक्रेटिव भी हूँ हल्का सा, और बहुत सारे सीक्रेट है लाइफ में, मैं नहीं चाहता इतनी जल्दी रिवील हो जाए। हाँ कुछ जब बहुत कुछ लाइफ में कर लूँगा या तब चाहूँगा कि कुछ ये भी पब्लिक के पास दूँ। तो शो रियलिटी में जाऊँगा तो मुझे डांस स्पेस शोज़ पसंद है, तो झलक या नच भली टाइप कुछ करना चाहूँगा। सभी देखिए जो घटना घटी वो तो बहुत ही सैड थी और बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। मैं एक्चुअली तुनिशा को पर्सनली नहीं जानता, बट मैं हम लोगों ने शूट किया था ऑलमोस्ट 10 दिन पहले सेम सेट के पैरेलल सेट पे, और मैं जस्ट क्योंकि मेरी जो बड़ी माँ प्ले करती हैं जयती भाटिया जी, वो उन लोगों ने पहले साथ में काम किया था एक शो में, तो शी केम टू मीट हर एंड मेरे जस्ट हाई हेलो हुआ, तो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, पर मैं बहुत शॉक में चला गया बिकॉज मैंने उस इंसान को ऐसे लाइव देखा था, सामने देखा था, मेरे सामने मुस्कुराई थी, और अब पता लगा कि शी इज़ नो मोर, तो वो एक बहुत शॉकिंग था और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एज आई फील एज अ ह्यूमन बींग वी शुड टेल वट एवर द प्रेशर वी आर फेसिंग वी शुड टेल अवर फैमिली अवर फ्रेंड्स, और कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलता ही यार, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। सो ये मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं इंडस्ट्री से हैं बाहर से हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो शेयर कीजिए क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है 100%। अब मैं फ़िलहाल हमारे शो के ससुराल सिमर के सीज़न 2 के सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच, आपकी वजह से इतनी अच्छी TRP आ रही है, आप लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है और हम लोग एंटरटेनमेंट जारी रखेंगे, कीप वॉचिंग इट। एफ में भाई कितना प्रोसेस है, तो क्या